तो मनुष्य का परम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रीति। अब आप कैसे समझेंगे हमारी निष्काम प्रीति कैसे भगवान में हो? बांसुरी जिसके बिना भगवान कृष्ण कभी नहीं रहते, वो बांसुरी जब वृक्ष की खाल कहो छाल कहो उसको निकाल लिया जाता है और फिर जो लकड़ी समझ में आती है वृक्ष का पूरा जीवन परोपकार के लिए है। पूरा जीवन ऐसा नहीं लगता कि एक तपस्वी की साधना है वृक्ष। वृक्ष एक तपस्वी है जिसके महत्व को हम सब जानते हैं लेकिन आज उसको काट छाट करके बराबर कर रहे हैं। वृक्ष की छाव के नीचे लोगों को आराम मिलता है। बहुत तेज धूप हो तो आप जा रहे हो वृक्ष मिल जाए तो लोग बैठ करके वहीं पे ठंडा जल पीते हैं। वृक्ष का हमारे जीवन में कितना महत्व है और उसी वृक्ष की खाल को छाल को नोच कर लकड़ियां काटी जाती है। कुछ लकड़ी तो चूल्हे में चली जाती है, कुछ लकड़ियां शमशान में जाती है और कुछ उसमें से अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देती है कि मैं ठाकुर की चरणों में जा करके रहूंगी। तो वो वंशी बनती है, बांसुरी बनती है। बांसुरी में कितने छेद किए जाते हैं, कितना चिकना किया जाता है। ठाकुर जी के अधरों पे वो बांसुरी सुशोभित होती है क्योंकि बांसुरी कुछ नहीं चाहती, सिर्फ उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपने को समर्पित किया है, ये है निष्काम प्रीति, ये है निष्काम प्रेम। तो भगवान से जो निष्काम प्रेम करता है भगवान उसको अपने पास रखते हैं।